हमारा मध्य प्रदेश खास मध्य प्रदेश, तो चलिए देखते मध्य प्रदेश की खबरें। साल में एक बार आती है बड़ी अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या, जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की नाभि तीर्थ स्थल पर इस बार हर साल की तरह ये नहीं मनाई जाएगी। बड़ी संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ इस दिन पहुँचते थे और उनकी कई ऐसी समस्या है जो कि ऊपरी कहते हैं या जिसे समझ पाना इंसान के बस में नहीं है। भूतड़ी अमावस्या के दिन स्नान करने से सभी को फायदा होता था, गंगा मैया सबकी समस्या हर लेती थी, लेकिन इस बार ये स्नान नहीं हो सकेगा और आपको बता दें कि निराश होकर इन श्रद्धालुओं को लौटना पड़ेगा। गुरुवार 17 जुलाई को बड़ी अमावस्या है, अमावस्या जो कि भूतड़ी अमावस्या कहा जाती है, और इस बार नर्मदा के सभी घाटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीजों पर रोक लगाना मुश्किल है, जिसके चलते वो कोरोना के प्रकोप में जा सकते हैं, बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी के कारण प्रशासन ने ये बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासनिक विभाग की ड्यूटी यथावत रहेगी। इस बार नर्मदा विशेषता दरबार घाट, ब्राह्मण घाट, पड़ियार घाट, पुल घाट, नाव घाट सहित सभी घाटों पर स्नान प्रतिबंध है। इसके लिए आला अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तहसीलदार श्रीमती राधा महंत, नगर पंचायत सीओ हरिओम कचोले, नेमावर थाना प्रभारी पूरी व्यवस्था संभालते हुए नजर आ रहे हैं।